हाय फ्रेंड, मैं मनोज पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर। और दोस्तों, साप्ताहिक करंट अफेयर और साथ में सभी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कुछ भूगोल के प्रश्नों को लिया हुआ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन चार दिए हैं, पहला इंदौर, दूसरा उज्जैन, तीसरा ग्वालियर और चौथा भोपाल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी उज्जैन सही हो जाएगा। सिप्रा नदी का उदय विंध्य पर्वत श्रृंखला में काकरी बर्दी पहाड़ियों से निकलती है या नदी चंबल में समाहित होती है? उज्जैन में इस नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष बाद कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं बहती? ऑप्शन चार है, पहला गुजरात, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान और चौथा महाराष्ट्र। इसका ऑप्शन नंबर ए गुजरात सही हो जाएगा। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। तीसरा प्रश्न है, आंदमान व निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन चार है, पहला 5,517 किलोमीटर, दूसरा 7,517 किलोमीटर, तीसरा 6,518 किलोमीटर और चौथा 7,218 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 7,517 किलोमीटर सही हो जाएगा। भारत की थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जबकि आंदमान व निकोबार के साथ भारत की समुद्री सीमा की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। चौथा प्रश्न, सर हिंद नहर किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन चार है, पहला सतलज, दूसरा रावी, तीसरा व्यास और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सतलज सही हो जाएगा। सर हिंद नहर पंजाब में स्थित है। इसका निर्माण 1882 में किया गया था। इस नहर में सतलज नदी का पानी इस्तेमाल किया जाता है। यह नहर सिंधु नदी प्रवाह तंत्र की सबसे पुरानी नहरों में से एक है। पांचवा प्रश्न, भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? ऑप्शन चार है, पहला गुजरात, दूसरा मेघालय, तीसरा मणिपुर और चौथा महाराष्ट्र। इसका ऑप्शन नंबर सी मणिपुर सही हो जाएगा। भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड की कुल लंबाई लगभग 160 किलोमीटर है। यह सड़क म्यांमार के तमू कलेवा कले मयो को भारत में मणिपुर के मोरेह से जोड़ती है। छठवां प्रश्न है, सिल्वी कल्चर का संबंध किससे? ऑप्शन चार है, पहला रेशम कीट पालन से, दूसरा है कपड़ा उद्योग से संबंधित फसलें, तीसरा है इमारती लकड़ी और चौथा है वन विकास। तो इसका ऑप्शन नंबर डी वन विकास सही हो जाएगा। सिल्वी कल्चर को हिंदी में वन वर्धन कहा जाता है। वनों को लगाने, उनके विकास, संरचना, स्वास्थ्य व गुणवत्ता के नियंत्रण का व्यवहार सिल्वी कल्चर कहलाता है। सातवां प्रश्न, सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? ऑप्शन चार है, पहला कैलाश श्रेणी की उत्तरी ढलान, दूसरा है रोहतंगा दर्रा, तीसरा है दक्षिण पूर्वी कश्मीर और चौथा है कैलाश श्रेणी की पूर्वी ढलान। तो इसको ऑप्शन नंबर ए कैलाश श्रेणी की उत्तरी ढलान सही हो जाएगा। सिंधु नदी कैलाश श्रेणी की उत्तरी ढलान में मानसरोवर झील के निकट उत्पन्न होती है। यह तिब्बत से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, तत्पश्चात पाकिस्तान में चली जाती है। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। ऑप्शन चार हैं, देखिए कौन कौन से, झेलम कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग से निकलती है, दूसरा है रावी नदी रोहतंगा दर्रे से निकलती है और चौथा है चिनाब चंद्रा और व्यास नदियों के संगम से बनती है और चौथा है सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट रक्सताल से निकलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी चिनाब चंद्रा और व्यास नदियों का से संगम से बनती है, ये सही हो जाएगा। चिनाब चंद्रा और भागा नामक दो नदियों के संगम से बनती है। यह दो नदियां हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले से ही निकलती हैं। तांदी नामक स्थान पर इन दो नदियों का संगम होता है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी कहा जाता है। नौवां प्रश्न है, डंकन दर्रा निम्नलिखित में से किन स्थानों को अलग करता है? ऑप्शन चार दिए हैं, पहला रूटलैंड द्वीप व लिटिल अंडमान, दूसरा दिया है आंदमान व निकोबार, तीसरा दिया है उत्तरी व दक्षिणी आंदमान और चौथा दिया है दक्षिणी आंदमान व लिटिल आंदमान। तो इसका ऑप्शन नंबर ए रूटलैंड द्वीप व लिटिल आंदमान। डंकन दर्रा दक्षिण आंदमान व लिटिल आंदमान के बीच स्थित है। डंकन दर्रा हिंद महासागर में स्थित एक जल डमरू मध्य है। यह लगभग 48 किलोमीटर चौड़ा है। दसवां प्रश्न, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन चार है, पहला गाजियाबाद, दूसरा लखनऊ, तीसरा दिल्ली और चौथा देहरादून। तो इसका ऑप्शन नंबर डी देहरादून सही हो जाएगा। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन है, इसको मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। यह भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की
स्थापना कब हुई थी, इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और इसी तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पर आता रहता हूँ। आज के लिए थैंक यू।